नमस्कार साथियों। तो ये बात है सिखों के आखिरी महाराज दिलीप सिंह 1851 की, जब कोहिनूर हीरा भारत से ब्रिटेन भेंट के रूप में दे दिया गया था। यूँ तो कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के ज्वेल्स हाउस में रखा हुआ है, लेकिन भारत में इसके वापसी की मांग समय समय पर होती रहती है, क्योंकि यह हीरा वास्तविक तौर पर भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान मिला था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है, इसको तुर्कों ने दक्षिण भारत के मंदिर एक देवी की आंखों से चुराया था। तो हम जानते हैं भारत में मिला और भारत की जागीर होने के बावजूद भी आज ब्रिटेन में है और भारत में इसके लिए समय समय पर मांग उठती रही है। तो हम जानते हैं किस किस के पास रहा और कैसे ब्रिटेन में पहुँचा। कहा जाता है कि साल 1310 में वारंगल के एक अभियान युद्ध अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से हासिल किया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इसे हासिल कर लिया। फिर उसके बाद नादिर शाह ने 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर हीरा अपने कब्जे में कर लिया। नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत में दिल्ली आकर और उसमें मोहम्मद शाह रंगीला की पूरी फौज को हराया, जिसने समझौते के रूप में हीरे को लिया और कई समझौते के रूप में उसने कई सारे पैसे भी लिए। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद हीरा उसके अंगरक्षक अहमद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आ गया और उसने अपना अस्तित्व बचाने के बदले में हीरा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। उस समय क्या आपस में झगड़े इतने ज़्यादा चलते थे महाराजाओं में, तो इतना झगड़ा हुआ, नादिर शाह एक बहुत ही अग्रेसिव शासक रहा उसके मरने के बाद। फिर उसका शासन बचाने के लिए उसके अंगरक्षक अहमद शाह दुर्रानी ने क्या किया, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास शरण ली और उनसे अपना राज्य बचाने के लिए वो किया, उनसे आग्रह लगाया। तो उन्होंने फिर उसके बाद जब उनको संरक्षण दे दिया और उनका राज्य बच गया, तो उन्होंने क्या किया, अहमद शाह दुर्रानी ने उनको भेंट स्वरूप 1747 में उनको दे दिया हीरा। ऐसे करके जब महाराजा रणजीत सिंह के पास हीरा आ जाता है, तो ये दूसरी बार होता है जब वापस आ जाता है हीरा भारत के अंदर, ठीक है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1849 में अंग्रेज़ों ने सिखों को पराजित करके लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दिलीप सिंह से महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करा दिया 1851 में। तब से कोहिनूर ब्रिटेन में ही है। अब क्या किया, जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, तो उसके बाद दिलीप सिंह जो उनके शासक के दावेदार होते हैं शासन के, तो उन्हें क्या ब्रिटेन भेज दिया जाता है और ब्रिटेन में ही उनका पालन भरण पोषण होता है। तो वहाँ पर महारानी विक्टोरिया को क्या भेंट स्वरूप दिलवा देते हैं हीरा को, कोहिनूर हीरा को। तो अब हम जानते हैं कोहिनूर हीरा इतना खास क्यों है। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है, क्योंकि यह एक समय का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था और इसके लिए कई राजाओं ने युद्ध लड़े हैं, जिससे भी ये ज़्यादा चर्चे में आया। यह पहले 793 कैरेट का था और अब जब इसकी बाद में घिसाई वगैरह करा दी थी महाराजाओं ने, तो उसके बाद ये 105.6 कैरेट का रह गया, जिसका वजन 21.6 ग्राम बचा है। लेकिन ये विश्व में आज भी सबसे ज़्यादा कीमती हीरा है और भारत में इसकी समय समय पर वापसी की डिमांड उठती रहती है।